ओके, गुड मॉर्निंग। टुडे माय टॉपिक इज इन फील्डिंग हाउ यू आर टेकिंग द शॉर्ट कैचेस। तो शॉर्ट कैचेस के लिए आपको, जैसे मैंने मैं बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले तो जो है शॉर्ट कैचेस का मतलब पता होना चाहिए कि शॉर्ट कैचेस कहाँ कहाँ पे आपके हो सकते हैं। शॉर्ट कैचेज आपके स्लिप में हो सकता है, शॉर्ट कैचेज आपके सिली पॉइंट एरिए में हो सकता है, शॉर्ट कैचेज आपके जो है फॉर शॉर्ट लेग पे हो सकता है, लेग स्लिप में हो सकता है। दीज आर कॉल्ड दिस पोजिशन ऑफ द शॉर्ट कैचेज। मैं ये अगर बोल रहा हूँ तो मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ कि इसमें आपका जो मूवमेंट होता है वाइल्ड टेकिंग दिस टाइप ऑफ कैचेज, वहाँ पर मूवमेंट आपका जो होता है स्पेशली रहता है। आप बहुत ज़्यादा बॉडी को इधर उधर मूव नहीं करते हो, आपको इस स्पेसिफिक पोजीशन पर खड़े होकर के इन कैचेस को पकड़ना पड़ता है। और जब आपको स्पेसिफिक पोजीशन पर इन कैचेस को पकड़ना पड़ता है तो आपको पर्टिकुलर इन कैचेस को पकड़ने के लिए एक पोजीशन भी बनानी आनी चाहिए। पोजीशन इन द सेंस हाउ यू आर टेकिंग योर पोजीशन फॉर टेकिंग ऑल दिस टाइप ऑफ कैचेस। तो व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्लिप कॉर्डन और when you are standing on the first of the cordon or in the three point cordon or in the leg slip, तो आपकी जो पोजिशन होनी चाहिए वो पोजिशन ये होनी चाहिए कि आपके जो फीट सपाट होने चाहिए, फीट सपाट आपके शोल्डर विथ के बराबर अपार्ट होने चाहिए। बॉडी नी आपकी जो है फ्लैक्स रहेगी, नॉट बैंड। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि फ्लैक्स और बैंड का क्या डिफरेंस होता है, सो नीड नॉट टू टेल टाइम एंड अगेन। नी आपकी फ्लेक्स रहेगी, एल्बो आपकी नी थाइस के ऊपर रेस्ट नहीं करनी चाहिए, एल्बो आपकी बाहर रहेगी, एल्बो हल्का सा आपकी फ्लेक्स टाइप में रहेगी, यानी कि आपकी जो रेडीनेस पोजीशन रहेगी वो पोजीशन ये रहेगी कि आपका जो बहुत बॉडी वेट है वो आपका बहुत ऑफ दी फीट में रहना चाहिए। हमेशा याद रखें कि इस पोजिशन में आपको जो है जो मूवमेंट करना है आपका, वो हमेशा साइडवेज मूवमेंट करना है। आपको अगर साइडवेज आप मूवमेंट नहीं करते हैं तो आप 100% है, आप इन लाइन ऑफ द बॉल में नहीं आ पाएंगे। अब रही बात थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट की, तो टेक्निकल पॉइंट की इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये है कि मैंने बताया आपको कि आपकी जो पैरों की विड्थ होनी चाहिए शोल्डर विड्थ के बराबर होनी चाहिए, नी आपकी फ्लेक्स होनी चाहिए, एल्बो आपकी बाहर रहेगी, थाइस के ऊपर रेस्ट नहीं करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें है कि वेन एवर यू आर टेकिंग द कैच, वेन एवर यू आर होल्डिंग द कैच, आपकी जो पाम है ये पाम की पोजीशन टुवर्ड्स द लाइन ऑफ द बॉल होनी चाहिए, और जो बॉल आपका हिट करे हाथ को तो ये बेस ऑफ द फिंगर पे हिट करना चाहिए, जिससे कि आपका जो एक नॉर्मल फेनोमेना होता है ह्यूमन बींग का कि जैसे ही आपके बेस ऑफ द फिंगर पर कोई ऑब्जेक्ट टकराता है तो आपकी पाम ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो जैसे ही बॉल हिट करे आपके बेस ऑफ द फिंगर में तो पाम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, और जो बंद होगी तो प्रोटेक्शन पूरा आपका मिल जाएगा, पाँचों उंगलियों की ग्रिप मिल जाएगी, तो बॉल आपका पॉप आउट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ऑलवेज हमेशा इसमें दो तीन चीज़ें मैं ऐड करूँगा कि व्हेनेवर यू आर होल्डिंग द कैच ऑलवेज लुक टूवर्ड्स द बॉल, बॉल की तरफ देखना है, यानी कि आपने कैच पकड़ा और आपकी आंखें कहीं और हैं। प्लीज़ इसको अवॉइड करिए, बहुत गंदी हैबिट है कि बड़ा कैजुअल हम लेते हैं इस चीज़ को कि हमने बॉल पकड़ा और हम देखते कहीं और हैं। नो, अनटिल अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू फिनिश योर कैच, यू शुड लुक द बॉल इन योर पाम इन योर हैंड टिल द कैच इज फिनिश्ड, राइट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा ध्यान रखिए कि जो फोर्स जनरेट होता है, जो बॉल का फोर्स होता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए, नेग्लिजिबल करने के लिए हमेशा जब कैच पकड़ते तो रिसीविंग का एक पंडा होता है, रिसीव करके आप एल्बो को जब पीछे लेके आएंगे तो जो चाहे बॉल कितनी भी तेज आए, कितने भी फोर्स से आए, वो उसका फोर्स जो है नेग्लिजिबल हो जाता है, तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने कैच अपना फिनिश कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।